हाय गाइस, वेलकम टू माय ब्लॉग। और आप थंबनेल देख के समझ ही गए होंगे कि मैं आज आपको जानकारी देने वाली हूँ सीहोर के एक रीसेंट वाटर पार्क के बारे में, कि वहाँ की एंट्री फ़ीस कितनी है, वहाँ का फूड कैसा है और वहाँ पे क्या क्या फैसिलिटीज़ है। मैं आपको सारा कुछ बताने वाली हूँ। तो पहले मैं आपको बताना चाहूँगी कि हम लोग हरदा मध्य प्रदेश से सीहोर मध्य प्रदेश के लिए निकले थे, तो हमको थोड़ी देर के लिए ट्रेन का सहारा लेना पड़ा हरदा से लेकर भोपाल तक का। भोपाल से लेकर सीहोर तक हमको बस में बैठना पड़ा, जिसका किराया 150 रुपये पर पर्सन था। और सीहोर के बस स्टैंड से लेकर क्रीसेंट वाटर पार्क तक का हम लोगों ने 100 रुपये दिया था, क्योंकि वो प्राइवेट अपन लोगों ने किया था खुद के लिए, मतलब कि किसी और को नहीं बिठाना था उसमें। तो हम यहाँ से पहुँचे क्रीसेंट वाटर पार्क, और यहाँ पे मैं आपको जो है उसका वीडियो भी लगा देती हूँ कि कितना क्या चार्ज है। बट फिर भी मैं आपको बता भी देती हूँ कि अगर आप सैटरडे और संडे के दिन जाते हैं, वीकेंड पर जाते हैं, तो यहाँ पर आपको जो है 850 रुपये लिमिटेड फूड के साथ में एंट्री फ़ीस लगेगी 850 रुपये। और अगर आप अदर डेज़ जाते हैं, जैसे कि मंडे से लेकर फ्राइडे तक, तो आपका जो रेट रहेगा वो 800 रुपये लगेगा, मतलब कि 50 रुपये का अंतर है। और इसमें लिमिटेड फ़ूड है, ये अनलिमिटेड फ़ूड नहीं है इसमें। और लिमिटेड फ़ूड में क्या क्या मिलेगा मैं आपको वो बता देती हूँ। आपको उसे मिलेंगे थोड़े से चावल, पनीर की सब्ज़ी, दाल, एंड आपको मिलेगी 4 रोटी, गुलाब जामुन और पापड़। ये थोड़ा सा सैलेड भी मिलता है अनियन और ककड़ी का। तो आपको इतना चीज़ मिलेगा लिमिटेड फूड के अंदर, जो कि सफिशियंट है। अगर आप वहाँ पे मतलब मुझे लगता है कि अगर आप दिन भर भी घूमेंगे तो आपको इतना खाना पर्याप्त है। और अगर फिर भी आपको लगता है बीच में कि आपको कुछ और लेना है, तो आप वहाँ से ले सकते हैं, मतलब कि जो फूड कोर्ट है वहाँ से आप ले सकते हैं। आप जैसे ही एंट्री करेंगे क्रीसेंट वाटर पार्क के अंदर, तो आपको राइट साइड पर दिखेगा फूड कोर्ट, मतलब कि रेस्टोरेंट जो है, और लेफ्ट साइड पर आपको मिलेगा लॉकर और जो भी ड्रेस चेंज वगैरह करनी है आपको, सब कुछ आपको लेफ्ट साइड पर मिलेगा। और स्ट्रेट चले जाएंगे तो आपको पूरा वाटर पार्क खुला दिख जाएगा, जहाँ पे आपको फन करना है। तो हम लोग यहाँ पे ले रहे थे टिकट्स, हम लोग 4 लोग थे और हमारी जो टिकट हुई थी वो 3200 की हुई थी, 800 रुपये के हिसाब से, क्योंकि हम लोगों ने लिमिटेड फूड चूज़ किया था। एंड उसके बाद हम यहाँ से एंटर होते हैं। एंटर होते ही जो है आपको एक बैंड दे दिया जाएगा, जो एक आपके पास 2 बैंड रहेंगे एक्चुअली। 1 बैंड रहेगा जो एंट्री बैंड रहेगा, और सेकंड रहेगा जो आपकी लॉकर की चाबी जिसमें रहेगी, मतलब इलेक्ट्रॉनिक जो चाबी रहेगी वो, ठीक है। तो आप यहाँ से एंट्री लेते हैं, एंड उसके बाद जो है आपका बैग चेक होता है कि बाहर का कोई भी खाना अलाउ नहीं है। अगर आपके साथ छोटा बेबी भी है, अगर आप कुछ लेके जाते हैं जैसे चॉकलेट, कुरकुरे वगैरह, तो वो सब आपको अंदर ले जाना अलाउ नहीं होगा। आपको अंदर का खाना ही अंदर बच्चे को खिलाना है, बाहर आके ये सब चीज़ें आपके नाम से जमा हो जाती हैं। जब आप लौटेंगे तो आप ये चीज़ें ले सकते हैं उनसे वापस, और वापस अपने बैग में रख सकते हैं। सिर्फ मेन खाने की चीज़ है जो आप अंदर नहीं ले सकते, बाकी आप अपना पूरा का पूरा बैग लेके लॉकर में जा सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे हम लोगों ने हमारा बैग चेक करवा लिया। जस्ट इसके बाद जो है यहाँ पर आगे एक वो दिया है, मतलब कि स्टोर है, जिस स्टोर के अंदर आप बच्चे के लिए स्विमिंग ड्रेस खरीद सकते हैं, मतलब ख़रीदने का ऑप्शन है वहाँ पे, रेंटेड नहीं है। आप अपने बच्चे के लिए स्विमिंग ड्रेस खरीद सकते हैं। उसके बाद जो वो होते हैं, मेरे को एक्चुअली उसका नाम नहीं पता है, जिससे हम तैरते रहते हैं ना वाटर के अंदर, जो टब टाइप का दिखता है, वो आप ले सकते हो बच्चों के लिए। मतलब पूल मटेरियल आपको यहाँ पे सारा मिलेगा, पूल के लिए जो मटेरियल होता है, स्विमिंग जो वो होती है, किट होती है, वो ले सकते हैं आप, जिससे आप डूबे ना, इस तरीके की चीज़ें आपको वहाँ मिल जाएंगी। लेकिन वो सिर्फ परचेस के लिए होती है, वो रेंटेड नहीं होती है। तो हमने सिर्फ एक ही वो ख़रीदा था सर्कल, छोटा वाला बच्ची के लिए, क्योंकि हमारे पास बेबी थी तो उसके लिए हमने खरीदा था। और इसका पेमेंट जो है आप ऑनलाइन भी कर सकते हैं, कैश भी कर सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा जो एक बात बताना भूल गई, जो पहले आप जहाँ पे अपनी रजिस्ट्रेशन करवाया, मतलब कि एंट्री करवाई, जहाँ पे आपकी जो 800 से 800 वाला आप चूज़ करेंगे, वहाँ पर जो है आपको कैश ही देना पड़ेगा। वहाँ पर ऑनलाइन का ऑप्शन नहीं है, तो आपको थोड़ा सा ऑनलाइन कैश पेमेंट रखना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पे गेट से मैं पूरा व्यू दिखा रही हूँ किस तरीके का दिखता है। एक्चुअली सीहोर के रीसेंट वाटर पार्क में 2 चीज़ें हैं, एक वहाँ पर पार्क है और एक वाटर पार्क है। तो पार्क का जो एंट्री टाइम है वो 4 बजे से है, तो इसलिए हम लोग वहाँ नहीं जा पाए थे, क्योंकि हम लोग को इतना टाइम नहीं था, हमको लौट कर भी जाना था। तो सिर्फ मेरे पास जो वीडियो है वो रीसेंट वाटर पार्क का है, मतलब उसका जो पार्क है उसका नहीं है। और यहाँ पर जो है दिख रहा है आपको, ये है यहाँ पर लॉकर की व्यवस्था है, और कपड़े चेंज करें आप यहाँ पे, या फिर ड्रेस भी ले सकते हैं। अगर आपको क्रीसेंट से ड्रेस लेना है वहाँ से ले सकते हैं। अगर आप खुद की ड्रेस यूज़ करना चाहते हो, तो बस इतना होना चाहिए कि कॉटन आउटफिट नहीं होना चाहिए, नहीं तो उसका जो कलर होता है ना वो स्विमिंग पूल के अंदर निकलता है। तो इसलिए वो लोग कहते हैं कि अगर खुद की ड्रेस आप यूज़ करेंगे तो सिंथेटिक यूज़ करिए, पॉलिस्टर यूज़ करिए, बट कॉटन यूज़ नहीं करेंगे।
यहाँ पर टोटल तीन पूल हैं, मतलब कि एक जो पूल है बहुत छोटा है, बेबीज़ के लिए है वो, मतलब छोटे बच्चों के लिए ही है, उसका नाम ही जंगल सफारी करके कुछ था आई थिंक, एकदम मुझे याद नहीं आ रहा है। एंड जो सेकंड पूल है वो काफ़ी ग्रैंड है, बहुत ज़्यादा ग्रैंड है, और जो थर्ड है वो वेब वाला है जिसमें वेब्स आती है टाइम टू टाइम, और सबसे ज़्यादा फन तो उसी में होता है, मतलब जब वेब आती है ना तब कोई सारे पूल ही खाली हो जाते हैं, वो एक ही पूल होता है जिसमें सारे के सारे लोग चले जाते हैं क्योंकि उसमें बहुत ज़्यादा फन होता है। तो अगर आप जाते हैं यहाँ पर या किसी पार्क में तो वेब वाला बिल्कुल मिस मत करिएगा, उसमें सबसे ज़्यादा मज़ा आता है। एंड ये जो है ये सेकंड पूल है जिसमें कि जिनको स्विमिंग आती है ना वो गहराई में जाके इसको इंजॉय कर सकते हैं, मेरे जैसे लोग ले नहीं है जिनको स्विमिंग कुछ भी नहीं आती है, तो अंदर जो है थोड़ा सा कम गहरा है फिर धीरे धीरे जाके बहुत ज़्यादा गहरा है। और जो बाजू में आपको स्लाइड दिख रहा है ना वो स्लाइड मतलब बहुत ज़्यादा ऐसे पेंडुलम टाइप के भी हैं और बहुत अच्छे अच्छे स्लाइड हैं। एक्चुअली मेरा एक ये रीज़न है मैं क्यों स्लाइड पर नहीं जाती हूँ और ना ही मेरे हस्बैंड को जाने देती हूँ, बिकॉज अभी ऐसे रिसेंटली बहुत केसेस आ गए हैं जिनके अंदर हमें देखने को मिल रहा है कि अगर हम पूल मतलब स्लाइड वगैरह में जाते हैं तो मे बी एकदम से सांस लेने की प्रॉब्लम होती है या फिर कुछ इस तरीके की प्रॉब्लम आती है। और जो वाटर पार्क्स होते हैं यहाँ पे इतनी सुविधा नहीं है कि अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो तो वहाँ पर आपका इलाज हो सके, तो इसलिए मैं अवॉइड करती हूँ, जितना छोटा छोटा खेल मतलब घूम सकता है उतना घूम लेती हूँ। और वैसे भी हम लोग बेबी के लिए ही जाते हैं स्पेशली। तो मैंने जो अभी इससे पहले जस्ट दिखाया था वो वेब वाला था, और ये जो है बिल्कुल मेन गेट है, मतलब कि दूसरे साइड इसका व्यू दिखा रही हूँ मैं आपको, है ना। और ये जो है ये चेंजिंग रूम के बाहर मैं बैठी हुई हूँ, सामने आपको लॉकर दिख रहा है और बाजू में आपको कॉस्ट्यूम्स के लिए लेडीज़ एंड जेंट्स का दोनों का आपको दिख रहा है यहाँ पे, ठीक है। यहाँ से जो है अब जहाँ पे हम जा रहे हैं ये है फूड कोर्ट, यहाँ पे रेस्टोरेंट है, मतलब आप यहाँ से कुछ ऐसे मैनुअली परचेस कर सकते हैं जिसका आपको पेमेंट खुद से देना होगा। और इसके पहले जो आपने पेमेंट दी है मतलब एंट्री वगैरह उसके अंदर तो जो आपकी थाली है और आपकी एंट्री है वो ही इंक्लूड है, अगर आप कुछ भी अलग से लेते हैं पानी की बॉटल भी अगर आप ले रहे हैं तो वो आपको यहाँ से लेना है, उसके चार्जेस अलग से लगेंगे। और यहाँ पर ऑनलाइन एंड कैश दोनों टाइप की डिलीवरी हो जाती है। ये जो आपको गेट दिख रहा है ये एंट्री का गेट था और इसके जस्ट दूसरे साइड है वो एग्ज़िट का है। तो अभी हम लोग एग्ज़िट लेने वाले हैं बिकॉज़ हम लोग का फन हो चुका है कंप्लीट, यहाँ से हम लोग को एग्ज़िट लेना है। और यहाँ पे जो है आपको एक बैंड जमा करना पड़ेगा और वो बैंड जमा करने के बाद ही आपको यहाँ से वापस जाने देंगे। और जो आपने कॉस्ट्यूम पहने थे जो आपके गीले हो गए थे वो आपको क्या करना है, जहाँ से आप लोगों ने कॉस्ट्यूम लिए थे उसके बाद उसी के पास में ही एक डस्टबिन टाइप होता है जिसके अंदर सारे के सारे बेट कॉस्ट्यूम रखे होते हैं, गीले कॉस्ट्यूम रखे होते हैं, आपको वहीं पर रख देना है, उसका आपको हिसाब देने की ज़रूरत नहीं है, वो आपको वैसे ही रख देना है। एक चीज़ और बताना भूल गए, यहाँ पर जो लॉकर का चार्ज है वो अलग से लगेगा, हम लोगों ने थोड़ा सा बड़ा लॉकर लिया था जिसका चार्ज 400 रुपये था और 400 रुपये में से 200 रुपये रिफंड रहता है, जब आप लॉकर वाला जो बैंड वापस देंगे तो आपको 200 रुपये रिफंड मिलेगा, 200 रुपये जो है आपका चार्ज लग गया जितनी देर आपने अपने कॉस्ट्यूम उसके अंदर रखे, अपना बैग आपने उतनी देर अंदर रखा। ये था एग्जिट पे जो व्यू है, ये एग्जिट का व्यू है, मतलब एग्जिट और एंट्री बोथ व्यू यही है। इसके बाद जब भी अगर मैं कभी इसके जो पार्क है वहाँ आती हूँ तो मैं उसका वीडियो ज़रूर शेयर करूँगी, बिकॉज़ मैंने उसके वीडियोस देखे हैं, काफ़ी अट्रैक्टिव है वो भी, बट ठीक है, मैं जब भी आऊँगी उसका वीडियो ज़रूर शेयर करूँगी आप लोगों के साथ। यहाँ पे आप देख सकते हैं क्या क्या मिलेगा खाने में एंड एवरीथिंग, मैंने सब कुछ यहाँ पे फ़ोटो लगा दिया है उसका, तो अगर आप जाएँ तो आपको ये वीडियो काफ़ी यूज़फुल होगा, आपके लिए इन्फॉर्मेटिव होगा ये वीडियो, सो प्लीज़ सेव करके रख लीजिए अगर आप समर में ये वीडियो देख रहे हैं तो।